मुस्लिम लीग नून निजाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। करप्शन ना करने के दावेदारों की हकीकत कौम के सामने आ चुकी है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं नवाज शरीफ बाहर बैठकर मुल्क दुश्मनों से मुलाकातें करते हैं। अपोजिशन ने खोखले नारे लगाकर सबको मायूस किया। आवाम की खिदमत हमारा एजेंडा है। वजीर आला पंजाब उस्मान बज़दार की मुआविन खुसूसी सैयद रफाकत अली गिलानी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा हर शहर की यकसा तरक्की के लिए ठोस पॉलिसी अपनाई है। टीटीडी बन्नू रीजन की बड़ी कार्रवाई। कल अदम तंजीम के दहशतगर्द हकीम उल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने दहशतगर्द के सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर की थी। हकीम उल्लाह फोर्सेस पर बम धमाकों और फायरिंग में मतलूब था। और PSA 7 का दूसरा मरहला आज से लाहौर में शुरू। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर जलमी मद्दे मुकाबल। अजाफी स्टेडियम लाहौर में शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात।